नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सो गाइस कमेंट करके जरूर बताएं। हम आज की वीडियो में ये बताएंगे कि YouTube थंबनेल या HD थंबनेल किस तरीके से बनाते हैं। इसके लिए आपको हमारी वीडियो पूरी देखनी होगी और इस वीडियो का मैं लाइक टारगेट 10 रखता हूँ, आप लोग पूरा कर दीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियो को फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों, और यह आप भी जानते हैं कि थोड़ा ज्ञान व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना पाता है, तो आप ये इस बात को आप समझ ही गए होंगे मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। और मैं हूँ आपका दोस्त करण धुसिया, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल करण धुसिया ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके आप तक। तो दोस्तों, एक छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, नेट ऑन करके पहले मैं आपको बता रहे हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर से आगे करना है। सिंपली यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है पिक्सल लैब, पिक्सल लैब लिख के सर्च कर देना है। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी से ये अट्रैक्टिव थंबनेल बनते हैं। अब मैं फटाफट से आपको बता दूँ किस तरीके से बनाना है अट्रैक्टिव थंबनेल। एक बात इसमें और बता दूँ मैं, बहुत इसमें खासियत है, जैसे आप बिना नेट ऑफ करके भी इसमें थंबनेल बना सकते हैं। तो मैं नेट ऑफ कर देता हूँ। सिंपली नेट ऑफ करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से थंबनेल बनाना है। तो सिंपली मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इमेज साइज़ दिखा रहा है, सिंपली इमेज साइज पे क्लिक करना है आपको। यहाँ प्रेजेंट लिखा है कस्टम, तो कस्टम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिखा देंगे। अगर आपको स्क्वायर में रखना है या प्रोफाइल पिक्चर बनानी है यूट्यूब की या यूट्यूब चैनल बैनर बनाना है, तो सिंपली मुझे यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। और यहाँ यूट्यूब थंबनेल का आप लोग साइज़ देख लीजिए, बहुत से लोग गलती करते हैं। तो ये FHD का साइज़ है, फुल HD का 9:20 1080। और यहाँ पे ओके क्लिक कर दीजिएगा। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे ए लिखा है, ए के बाद 2 ऑप्शन और दिखा रहे इधर साइड पे आपके उल्टे हाथ पे, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आना है। दूसरे पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कलर पे क्लिक करना है। कलर पे जाने के बाद यहाँ पे आप कलर चूज़ कर सकते हैं, ग्रेडिएंट कर सकते हैं। तो कलर में सिंपली ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। और मुझे अब क्या करना है, सिंपली यहाँ से मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ उसकी, पूरी 100% कर दो ब्राइटनेस की, कोई दिक्कत नहीं। ब्राइटनेस करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद मैं बता देता हूँ। प्लस के सिंबल पे जाना है आपको। प्लस के सिंबल पे जाने के बाद सिंपली फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। मैंने कुछ बैकग्राउंड डाउनलोड करा था, मैं वही यहाँ पे लाऊंगा। सिंपली बैकग्राउंड में ले आता हूँ ये वाला, मैंने ये बैकग्राउंड डाउनलोड किया था, तो मुझे ये सिंपली इस साइज़ का मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्रॉप कर लिया। आप लोग ये सारे साइज़ दे रखे हैं, आप लोग अपने हिसाब से क्रॉप करके। बैकग्राउंड साइज़ मैंने 16:9 का लिया, तो यही होता है। तो सिंपली मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया ये, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इस तरीके से आप लोग सेट कर लीजिएगा, जूम वूम करके, ओके करके। अब इसकी मुझे अगर ब्राइटनेस बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कि ए लिखा हुआ है, ए के उल्टे हाथ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है कलर फिल्टर, कलर फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ब्राइटनेस का ऑप्शन दिखा रहा है, ब्राइटनेस पे क्लिक, थोड़ा और ब्राइटनेस बढ़ानी है इसकी। और यहाँ पे कंट्रास्ट, कंट्रैक्ट लिखा हुआ है कंट्रास्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा कंट्रास्ट इंक्रीज करना है। इस पर एक्सटेंड करेंगे तो कंट्रास्ट थोड़ा सा और इंक्रीज होगा। और यहाँ सेचुरेशन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा देखिए देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है, थोड़ा चेंजेस हुए हैं इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अपने आपको। तो ये थंबनेल हो चुका। और यहाँ पे स्ट्रोक लिखा हुआ है, स्ट्रोक का बहुत बड़ा फीचर होता है आउटलाइन करने का। जैसे इस वॉलपेपर का आउटलाइन मुझे येलो करना है, तो सिंपली यहाँ से मैं प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करता रहूँगा, तो ये देखिए अब आउटलाइन इंक्रीज़ हो रहा है। अगर डिक्रीज़ करना है तो यहाँ पर बस दबाएंगे बटन को, माइनस वाले पे इंक्रीज़ करना है तो प्लस वाले दबाएंगे सिंपली। तो मैंने इंक्रीज़ किया तो ओके कर देता हूँ मैं। अब ये बैकग्राउंड का जो है इसमें मतलब कि आउटलाइन है जो, वो मतलब कि इंक्रीज़ करके मैंने कुछ स्टाइलिश बना लिया है। अब यहाँ पे फिर मैं क्लिक करता हूँ इस वॉल पेपर के ऊपर, अब फिर इसके ऑप्शन में आ गया ये, क्योंकि अगर इसके पास से ध्यान हटा है तो मतलब और गलत चीज़ें होंगी। तो सिंपली इसके ऊपर ही क्लिक करके आपको इसके बारे में सोचना है। तो यहाँ पर आपको शैडो पर क्लिक करना है, शैडो मतलब कि इस बैकग्राउंड के पीछे की छाया,
तो आपको छाए के ऊपर में कौन सा रंग दिखाना है, किस तरह दिखाना है, या पिंक दिखाना चाहते हैं या वाइट दिखाना चाहते हैं, तो मैं वाइट सिंपली रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। इनर शेडो का मतलब ये हुआ बैकग्राउंड के अंदर जो मतलब कि अंदर कलर डालेंगे वो होता है इनर शेडो। तो सिंपली इनर शेडो पे क्लिक करता हूँ मैं, इनर शेडो में यहाँ पे रख लेता हूँ, वाइट ही इनर शेडो रखता हूँ। और यहाँ से आप लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं, ब्लर ब्लर रेडियस लिखा है यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप कम कर सकते हैं। तो मैं सिंपली नॉर्मल रखता हूँ 11 पे और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड का जो वर्क था ये सारा हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग बैकग्राउंड भी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्लस वाले सिंबल पे जाना है। सिंपली प्लस वाले सिंबल पे जाने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी यानी कि एक फ़ोटो आपको पोस्ट करके रखनी है। जैसे कि आप किसी भी टॉपिक पे बना रहे हैं तो कुछ एट्रैक्टिव थंबनेल या कुछ भी आप बना रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालें, तो कुछ एट्रैक्टिव बनाना है सिंपली। तो उस तरीके से मैंने एक फ़ोटो निकाल रखी है, आप ये देख सकते हैं मैंने फ़ोटो ली थी सिंपली। इस फोटो को मैंने सिंपली उठा लिया, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ आप लोगों को। और इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा ब्राइटनेस नहीं है इस फोटो में, तो आपको ब्राइटनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर मतलब कि इस फोटो में आपका हैंड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आप कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप अपना सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। फिर आपको ए के बगल में उल्टे हाथ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है जो ओ टाइप का बना है, सर्कल टाइप का, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको। तो इसका जो रिटेंशन है वो इस पर आया हुआ है सिंपली। तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से इसका कलर फिल्टर करेंगे। कलर फिल्टर मतलब ये हुआ इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो ब्राइटनेस इसकी थोड़ी सी बढ़ाएंगे और कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। तो ये देख रहे हैं अब इम्प्रूवमेंट हुआ कुछ फ़ोटो में। तो इस तरीके से आप लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। स्ट्रोक करना चाहते हैं तो स्ट्रोक कर सकते हैं, ब्लू कलर लगाना चाहते हैं स्ट्रोक में थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। मैं सिंपली ब्लैक लगा देता हूँ, ब्लैक में ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और थोड़ा सा छोटा करके देखने में देखिए ये अट्रैक्टिव थंबनेल लग रहा है। तो इस तरीके से आप लोग सेट कर सकते हैं। और मैं इस थंबनेल में ये बताऊंगा जैसे कि YouTube पर थंबनेल कैसे लगाएं, ये मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब लिखना भी मैं आपको बता दूँ किस तरीके से लिखना है। तो टेक्स्ट में जाना है आपको, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है यू अलग लिखना है, ठीक है। यू लिखने के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक। और उसके बाद कैंसिल पर जाना है। यू आपका जो टेक्स्ट है वो सिंपली यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। और यू का जो है सिंपली ए पे आना है, जितने भी आप टेक्स्ट लिखेंगे सबको ए से एडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कलर पे आना है। कलर पे सिंपली आने के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर देना है, बिल्कुल ब्लैक देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली फॉन्ट में जाना है। जैसे फॉन्ट में जाएंगे तो आपको फॉन्ट ये वाला सेलेक्ट करना है, मेमी फॉन्ट लिखा हुआ है तो मेमी फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है सिंपली और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रोक देना है। स्ट्रोक यहाँ पे देना है, इनेबल करना है इसको। स्ट्रोक में आपको कौन सा कलर लगाना है, वाइट कलर लगाना है। वाइट कलर आप लगाएंगे तो अट्रैक्टिव दिखता है, तो इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप शेडो का भी यूज़ करेंगे सिंपली। शेडो कौन से कलर का यूज़ करेंगे, वाइट कलर का। वाइट कलर का शेडो यूज़ हो गया सिंपली। इनर शेडो यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इनर शेडो यूज़ करेंगे तो देखिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसलिए इनर शेडो यूज़ मत करिए। तो सिंपली यू लिख गया है, मैं इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ, ये लिख गया यू, ठीक है। और आपको क्या करना है, प्लस वाला सिंबल में आना, फिर से टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे सारी चीज़ें रिमूव करके आपको क्या लिखना है, ट्यूब लिखना है, यू ट्यूब लिखना है। तो सिंपली ट्यूब लिखने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख रहे हैं इसका कुछ टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से आ रहा है सिंपल। तो ट्यूब का जो मतलब कि आप लोगों देखा हुआ यूट्यूब किस तरीके से लिखा होता है, यू का जो होता है वो ब्लैक में होता है, ट्यूब मतलब कि रेड में होता है। तो सिंपली इसको रेड में कर दीजिए। अगर ये बिल्कुल रेड नहीं हो रहा तो ये प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेट कर लेना है, बिल्कुल ओके करके ओके रखिएगा यहाँ से, ठीक है। ओके रखने के बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आपके सामने ये कलर टेक्स्ट का कलर जो है ये बिल्कुल रेड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली फॉन्ट में आना है। उसी तरीके से आपको सारे चेंजेस इसमें भी करने हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था मेमी फॉन्ट्स में जाना है। सिंपली मेमी फॉन्ट में जाने के बाद ओके कर देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रोक भी देना है वाइट कलर का, इसमें भी वाइट कलर का स्ट्रोक देना है, ओके पे क्लिक करना है। शेडो भी वाइट कलर का ही देना होगा आप लोगों को, वाइट कलर शेडो दीजिएगा। और इनर शेडो का तो यूज़ ही मत करिएगा, क्योंकि इनर शेडो यूज़ कर रहे हैं आप लोग तो इसमें थोड़ा धुंधला अपना जा रहा है, इसलिए यूज़ ही मत करिए इसका इनर शेडो का। तो सिंपली YouTube आपका लिख चुका है, ये देखिए आपके सामने लिख के आ रहा है।
और ये आपको सेट कर लेना अपने हिसाब से, जैसे आप सेट करेंगे वैसे ही अच्छा लगेगा, अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। सिंपली ये देखिए आप सेट हो चुका है, बिल्कुल ओके हो चुका है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी है हमें, अब यूट्यूब हो गया, अब इसमें हम एक बात और बता दें आपको, डीयू लिखा है इसमें, अगर आपको बैकग्राउंड कलर डालना हो तो किस तरीके से डालेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड कलर, ए पे जाएंगे तो बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है, यहाँ पे बैकग्राउंड के अगर दिखा रहा है तो सिंपली इनेबल करना है इसको। जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे कलर ऑप्शन दिखा देगा, तो मैं वाइट ले लेता हूँ इस कलर को। और यहाँ पे जो लेफ्ट पैडिंग यानी कि लेफ्ट मतलब कि सीधे उल्टे हाथ का, तो उल्टे हाथ की जो पैडिंग वो मतलब कि थोड़ा सा आप बढ़ाना चाहेंगे या घटाना चाहेंगे तो अपने हिसाब से आप लोग सेट कर लीजिएगा। और ये राइट पैडिंग मतलब कि सीधे हाथ का ही जाएगा, इधर से आप देख रहे हैं आपके सामने हो रहा है, ये थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको। और ये लिखा है टॉप पैडिंग यानी कि सबसे ऊपर वाला, तो इसको थोड़ा बॉटम में ले आएंगे, बिल्कुल सेट कर दीजिएगा अपने हिसाब से। और ये बॉटम पैडिंग है मतलब ये है, थोड़ा इस तरीके से ले आएंगे और बस ओके पे क्लिक कर देंगे, ये आपके सामने यूट्यूब लिख के आ जाए, ठीक है। यूट्यूब पर यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए, ठीक है, ये है टाइटल, तो मैं सिंपली बताता हूँ। जैसा अब ये थंबनेल लिख लिया मैंने, सिंपली थंबनेल लिखने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ए वाले पे क्लिक करना है। ए वाले पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसका कलर को चूज़ कर लीजिएगा, ब्लू येलो कलर में रख लीजिए, ब्लू रख लीजिए, येलो कलर लिख दीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। येलो कलर करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट में जाना है, कुछ इसका अलग मतलब कि फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। ये डेस लिखा है, सिंपली डेस पे क्लिक करना है आपको। अभी डेस पे आपने जैसे ही आपने क्लिक किया, देखिए आपका कुछ थोड़ा एट्रेक्टिव थंबनेल बना है। ये यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, तो सिंपली ये बनेगा पूरा जाके थंबनेल। तो यहाँ पे अब स्टाइल पे जाना है, स्टाइल पे जाने के बाद इसे थोड़ा बोल्ड कर लेना है, थोड़ा सा मतलब कि टेक्स्ट को मोटा कर लेना है, तो ये ओके कर दीजिएगा, ये मोटा हो गया एट्रेक्टिव। और स्ट्रोक पे आके आपको थोड़ा सा ब्लैक कर देना है इसको, अगर आपको ब्लैक अच्छा लगे तो ब्लैक कर दीजिएगा, वरना फिर रेड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको जैसा अच्छा लगे। तो मैं सिंपली स्टॉप नहीं करता हूँ इसको, मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसमें, बैकग्राउंड कलर में येलो रेड ही दे देता हूँ। सिंपली रेड देने के बाद आपके सामने देख रहे हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। बड़ा करने के बाद मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे ये लेफ्ट पैडिंग दे रखा है, थोड़ा सा इसको आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, और राइट पैडिंग को भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टॉप पैडिंग बिल्कुल नॉर्मल है, सही है टॉप पैडिंग, और बॉटम पैडिंग भी सही है। एक बात मैं और बताऊं, ये जो आपको कोने दिख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट कोने हैं चारों तरफ के, तो आप लोग इसको अगर रेडियस में यानी कि गोलाई में करना चाहते हैं तो ये लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है रेडियस का, तो यहाँ पे प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे तो प्लस करेंगे, जैसे जितना आप प्लस करेंगे जितना ये एरो आगे बढ़ेगा उस तरीके से वो गोलाई में होता चला जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा किस तरह गोलाई में रखना चाहते हैं, मैं सिंपली इतना ही रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे ध्यान हटा देता हूँ इस चीज़ को, थंबनेल को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। आप देख रहे हैं ये लिख के आ गया यूट्यूब थंबनेल। अब दो चीज़ें और रह गई हैं हिंदी में लिखने के लिए, मैं बता देता हूँ वो भी, यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। तो सिंपली यहाँ पे हिंदी में सेलेक्ट कर लिया मैंने, और ये बताने जा रहा हूँ कैसे बनाएं। और थोड़ा सा ये जो ये क्वेश्चन वर्ड का मतलब कि सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का जो है सिंबल यूज़ करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड का सिंबल यूज़ कर दिया मैंने, ओके पे क्लिक कर देना है मैंने सॉफ्ट पर, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं। तो आपको इसे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे साइज पे आना है, साइज यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो आपको यहाँ कलर पे आना है, सिंपली कलर इसका आप किस तरीके का रखें, तो यहाँ मैं ब्लू रख लेता हूँ इसका कलर। ब्लू रखने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली फॉन्ट का मुझे यूज़ ही नहीं करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे जाने के बाद बोल्ड कर सकता हूँ मैं इस फॉन्ट को, तो मैंने बोल्ड कर दिया, तो थोड़ा सा ये जो नॉर्मल लिखा हुआ था ये थोड़ा मोटा लिखने में आ गया, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे क्या करना है, सिंपली स्ट्रोक देना है इस पर, स्ट्रोक इसमें वाइट कलर का ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं वाइट कलर का स्ट्रोक दे देता हूँ इस पर। और शेडो भी इसका वाइट कलर का ही अच्छा लगेगा, तो वाइट कलर का मैं शेडो दे देता हूँ इस पर। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, ये एक अच्छा थंबनेल इस तरीके से बनाना है आप लोगों को। तो यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, ये तो हो गया आपका थोड़ा सा सेटअप। और लास्ट मतलब कि लास्ट सेंटेंस है, वो आपको हर वीडियो में ही डालनी चाहिए, मैं वो भी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना है, कैसे बनाएं। ये तो आपने चलो लिख लिया, ठीक है, सिंपली आप शॉर्ट दे दीजिए, नॉर्मल चीज़ें दे दी आपने, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है कैसे बनाएं। ये तो चलो क्वेश्चन वर्ड का मतलब कि सेंटेंस हो गया, अब यहाँ पे लिखना है जानिए इस वीडियो में, ये बात आपको ज़रूर लिखनी है।
मतलब कि जो भी ऑडियंस है वो मतलब कि रिटेंशन लगे, तो वो बंदा अपने पास चैनल पे आए, तो नया व्यूअर होगा तो वो मतलब कि हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वॉच करेगा हमारी वीडियो अगर उसे अच्छी लगेगी तो ये बात आपको जरूर लिखनी है। जानिए इस वीडियो में ये बात लिख के आपको यहाँ पे इसके नीचे सेट कर देना है, बिल्कुल ओके तरीके से सेट करने के बाद आपको देखना है कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। तो कोई मिस्टेक नहीं है, सिंपली इसको मैं ब्लैक रख देता हूँ, लास्ट में जो भी चीज़ रखी ब्लैक रखिएगा नॉर्मली। और यहाँ फ्रंट पैक इसे थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ मैं, बोल्ड करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड देने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली बैकग्राउंड में इसे ये वाइट कलर का बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने बैकग्राउंड दे दिया वाइट कलर का। अब इसको थोड़ा टेक्स्ट को मैं बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट को बढ़ाने के बाद आप देखना थोड़ा ऊपर नीचे ये कैसे बनाया, थोड़ा ऊपर हो रहा है ये नीचे हो रहा है, तो इसको आप लोग सेट करिएगा, थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से। और इस तरीके से आप लोग अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। ये हो गया आपकी लास्ट स्टेप थी ये, इस तरीके से आप लोग यूट्यूब थंबनेल बनाना है। और इस एक बात मैं और बता दूँ आप लोगों को, इसको आपको सेव कैसे करना है और सेव करेंगे तो वो जाता कहाँ है, ठीक है, मैं ये भी बता देता हूँ। तो आपको ये जो एरो बना है, एरो के ऊपर ये फाइल टाइप का बना रहा है, तो फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये दो ऑप्शन दिखाएगा, सेव एज प्रोजेक्ट एंड सेव एज इमेज। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है सेव टू गैलरी और शेयर, तो सिंपली सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है। ये रेंडरिंग इमेज हो रहा है, यानी कि इमेज तैयार करी जा रही है। आपकी इमेज तैयार हो चुकी है, सिंपली बैक आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ ये थंबनेल बन चुका है। अब ये कहाँ पे गया है मैं वो आपको बता देता हूँ। फाइल्स में आपको जाना है, फाइल्स में आप जिस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने, तो सिंपली आपको ऑल फाइल में जाना है। यहाँ पे एक पिक्सेल लैब के नाम का फोल्डर होगा, तो सिंपली पिक्सेल लैब में आपको जाना है। पिक्सेल लैब में आप जाएंगे तो आपके सामने ये दिख रहा है, ये आपके एक थंबनेल बन चुका है। तो सिंपली मैं उसे ओपन करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं आपके सामने यूट्यूब थंबनेल ये बन चुका है। ये देखिए आपका साइज़ भी दिखा रहा है, डायमेंशन साइज़ दिखा रहा है और किस तारीख को बना है ये भी दिखा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यही बताया यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखना दोस्तों।